ही आ रहे थे। अब चले जाए यहां से। आका जी, आपने आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? पता नहीं तुम ये क्यों कर रही हो। अगर अपनी बेटी को घर बिठाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस तरह हमें जलील मत तो करो। हमारे बेटे पर इतना घटिया बहतान तो मत लगाओ। हमें अपने मरहूम भाई की कसम है, आखिर उस पर भी आपको इत्बार नहीं है, तो हम अपने हादी की कसम खाकर कहते हैं कि हमने आपकी बेटी के साथ कोई जुल्म नहीं किया। क्या आगा जी, आप लोग वाकई कुछ नहीं जानते? किस बुनियाद पे तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो? सारा भाभी, सबूत चाहिए आपको तो सुनिए। इस वक्त आपके बेटे का गायब होना इस बात का सबूत है। आपके बेटे के जाते ही जरी का इस घर में आना और उसके आने से पहले जरी का यहां से चले जाना इस बात का सबूत है। जारा भाभी, आप तो मां है ना हादी की, आपने उससे कभी नहीं पूछा कि आप लोगों का यह घर आज तक खुशियों से महरूम क्यों रहा? पूछा है, बारह पूछा है, लेकिन वो दोनों इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहते। बस यही सबूत है मेरी बात का। इस जुल्म की सजा तजवीज करने का हौसला नहीं है मुझ में आका जी, लेकिन मेरा रब मेरी बेटी के दुख का हिसाब जरूर मांगेगा आप लोगों से। देख लीजिएगा। मुझे तो पहले ही पता था वो नहीं आएगा। जिसकी इतनी इंसल्ट हुई वो इस घर में लेने क्या आएगा? तो हंस के मुझसे क्या पूछ रहे हो? अम्मी आएंगी तो उनसे पूछ लेना, बिलावा जी मुझे तंग किया हुआ है। अम्मी कहाँ गई थी आप? मानू तुम अंदर जाओ। रुको मानू, ये इस घर का फर्द है, आपको जो बात करनी इसके सामने कहें। तो सुनो फिर, तुम यही जानना चाहते थे ना कि जरी वहां खुश है भी या नहीं? कोई औरत कैसे खुश रह सकती है अगर अगर उसके हुकूक पूरे ना किए जाएं? क्या मतलब? ये है उन लोगों की हकीकत। मेरा दिल नहीं मानता इस बात को। तो क्या तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है? अरे बेवकूफ, कोई औरत ऐसा झूठ बोल सकती है? अगर ये सच है चाची जान, तो यकीन जानिए इस सच से कोई भी वहां वाकिफ नहीं था, और ना ही जरी भाभी ने कभी किसी को बताया। अरे वो तुम लोगों की इज्जतें संभालती रही, ये तो मुझे अब भी पता ना चलता अगर मैं उन दोनों की गुफ्तगू ना सुन लेती। ने हादी से बात की? इतनी बड़ी बात जान लेने के बाद भी मैं उससे तस्दीक करती? अरे ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। मैं हादी से खुद बात करूंगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या बात करोगे तुम उससे? वो मौसूफ तो आज भी गायब है, सबसे मुंह छुपाता फिर रहा है वो। भाई भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकती। I'm sorry मानूर, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात कोई और जान सके, मगर आप सब कुछ खुद ही सहती नहीं भाभी, किसी से तो कुछ कहा? मैंने इसलिए नहीं कुछ कहा क्योंकि कहीं मेरे मुंह से निकली हुई बात
तुम्हारे और हसकील के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर देती और मैं कितनी खुदगर्ज निकली। आपके दर्द को जानने की कोशिश ही नहीं की। खुद को इल्जाम मत दो मानूर, मेरा नसीब बुरा है तो अब इसमें किसी और का क्या कसूर है? भाई का तो है ना। देखो तुम इस मामले में मत आओ, बस मुझे आदि के साथ नहीं रहना। समझ सकती हूँ। जाने कहाँ हलकान होता फिर रहा होगा मेरा बच्चा। उसका दुख तो हमसे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। सच्चा इंसान मैदान छोड़कर नहीं भागता जरा। आगा जी आप भी? वो मर जाएगा आगा जी अगर उसे पता चला कि क्या आप भी ऐसा सोचते हैं। वो हमारे बेटे हैं जरा, हम उनके लिए जो भी सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि वो मुकम्मल हैं, लेकिन हमें ये बात भी मान लेनी चाहिए कि जरताश इतनी बड़ी बात बगैर किसी बुनियाद के नहीं कह सकती। मत नाम लीजिए उस लड़की का। इतनी नफरत किस लिए? अगर हमारा बेटा उसका मुजरिम है तो हमें जरताश के सब्र की भी दाद देनी चाहिए। मेरा बेटा किसी का मुजरिम नहीं। वो हमारा बेटा भी तो है। नहीं आगा जी, माँ तो औलाद को तब से जानती है जब उसने दुनिया में आंख भी नहीं खोली होती। बाप का रिश्ता तो उसका दुनिया में आने के बाद शुरू होता है। आदि आदि इस खामोशी को तोड़ दो बेटा, वरना हमारे सर नदामत से छुप जाएंगे। इंसान का इम्तिहान कभी कभी औलाद से भी लेते हैं। आपने हमसे कहा तो होता। अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 से अपनी टॉक शॉक